नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एयरलाइंस विकलांग यात्रियों को फ्लाइट में बैठने से नहीं रोक पाएगी। अगर वो ऐसी करतूत करती है तो उन्हें एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो गया है। डॉक्टर के अप्रूवल के बाद ही यात्री को फ्लाइट में बैठने से रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हरिद्वार के DM और SSP ने फूल बरसाए हैं और मुख्यमंत्री धामी प्रशासन को निर्देश दे चुके थे कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उनके पैर भी धोए थे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए सीरीज का पहला मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला था। जो भी दिल के मरीज हैं उनके लिए इस मैच का अंतिम क्षण देखने लायक नहीं था। इस दिल थामने वाले मुकाबले में भले ही टीम इंडिया जीत दर्ज कर चुकी हो, पर हमारे लिए और दर्शकों के लिए ये मैच पूरी तरह से रोमांस भरा रहा था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मेटा की नजर काफी लंबे समय से चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर है। साल 2020 से भी भारत में टिकटॉक के बैन होने के बाद मेटा की लॉटरी ही लग गई। मौके का फायदा उठाकर मेटा ने इंस्टाग्राम में रील्स फीचर दे दिया है। इंस्टाग्राम रील फीचर अब भारत में टिकटॉक की जगह ले चुका है, लेकिन लगता है कि मेटा इससे संतुष्ट नहीं है। मेटा ने फेसबुक ऐप के इंटरफेस को भी चेंज कर दिया है, जिसके बाद फेसबुक ऐप टिकटॉक जैसा दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य ऋतुराज सिन्हा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और इस दौरान ऋतुराज सिन्हा ने मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी जिन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। इंडस्ट्री के लिए एक दुख भरी खबर आई है। भाभी जी घर पर है फेम एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। अचानक से उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है। दीपेश के निधन के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो शनिवार की सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विदेशी निवेशक एक बार फिर से खरीदारी में लौटने लगे हैं। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों के फिर से खरीदारी शुरू करने के चलते शेयर मार्केट चमकने लगा है और सेंसेक्स 56,000 अंकों से भी ऊपर पहुंच चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि किसानों और खेतीबाड़ी का सम्मान किया जाना चाहिए। मंत्री यहां आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित स्वदेशी और वैश्विक समृद्धि के लिए भारतीय कृषि का उपयोग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के करीबी और मौजूदा सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी को 24 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ चैटर्जी पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार करने के आरोप है। शुक्रवार को पार्थ चैटर्जी को उनके करीबियों के यहाँ ईडी ने छापे मारे थे। इस दौरान उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश और महंगे मोबाइल मिले थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार बच्चों की इंग्लिश को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। इससे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 साल में 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में हिंदी फिल्म तानाजी ने जमकर धूम मचाई है। आलम यह रहा कि तानाजी के लिए बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। तानाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की कामयाबी का श्रेय जितना अजय देवगन को जाता है उतना ही सैफ अली खान को भी जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सरकार ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया और शराब माफियाओं को मालामाल कर दिया है। ठाकुर ने कहा है कि जब गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था, तब केजरीवाल की सरकार शराब माफिया को धन धन कराने की बात कर रही थी। भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह अपनी दमदार आवाज के लिए तो पहचानी जाती है, साथ ही उनका दबदबा सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिलता है। अक्षरा सिंह रोजाना किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया के गलियारे में छाई रहती है। इन दिनों एक्ट्रेस गोरखपुर में शूटिंग के लिए पहुंची है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर होने के संकेत मिले हैं। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजद अंदर खाने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी में जुटा है। दरअसल राजद नेता जगदानंद सिंह ने भाजपा और जदयू पर तंज कसते हुए कहा है कि जदयू और भाजपा में एकता है कहां, एकता तो कभी थी ही नहीं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एनडीए का मतलब समझाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई डेटा उपलब्ध नहीं, एनडीए और सरकार चाहती है कि आप विश्वास करें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। विरोध करने पर कोई किसान नहीं मरा, चलते चलते कोई प्रवासी नहीं मरा, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं हुई और किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया। सीजीआई ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा है कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल द्वारा आरआरबी पीओ परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी पीओ भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त 2022 को किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। इस परीक्षा में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 80 अंकों के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन भुगतान में उछाल के बावजूद नकदी का इस्तेमाल लगातार जारी और चलन में मौजूद नकदी में कमी तभी आएगी जब एक तिहाई जनसंख्या डिजिटल भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करने लगेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप असवे ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें शनिवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तिलक और आजाद के साहस और देशभक्ति का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि बड़े पैमाने पर होने वाले गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक की चिरस्थायी विरासतों में से एक है जिसने लोगों के बीच सांस्कृतिक चेतना की भावना को प्रज्वलित किया। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार समेत कई राज्यों में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। बिहार में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास मौजूद वोटों से अधिक संख्या में वोट मिले। इसको लेकर भाजपा बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ रोष का संकेत है। संवैधानिक प्रमुख के तौर पर रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले शनिवार शाम को सांसद राष्ट्रपति को विदाई देंगे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सांसद संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह में शामिल होंगे। ट्विटर ने कहा है कि उनके दूसरी तिमाही में $270 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। उसका मुख्य कारण टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा लंबित अधिग्रहण से संबंधित अनिश्चितता थी जिससे उनके विज्ञापन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने नीरव मोदी ग्रुप की हांगकांग SAR चीन स्थित कंपनियों से चल संपत्ति के रूप में रत्न आभूषण और बैंक खातों के रूप में $30.98 मिलियन और HKD $5.75 मिलियन जब्त किए हैं जो कि ₹253.62 करोड़ के बराबर है। भारत में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को अपडेट जारी किए जाने के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 21,411 नए कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 67 मरीजों की जान गई है। इस दौरान एक दिन में 20,726 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। रेलवे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आइकॉनिक वीक मना रहा है। इस कड़ी में समस्तीपुर रेल मंडल ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेन को आज 23 जुलाई को मुजफ्फरपुर स्टेशन से सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाकर बापूधाम मोतिहारी के लिए रवाना किया जाएगा। समस्तीपुर रेल मंडल के बापूधाम मोतिहारी से महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। टीम इंडिया के टेस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की जिंदगी में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। रहाणे दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर शेयर करके फैंस को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी पत्नी राधिका और बेटी आयरा के साथ तस्वीर शेयर की। फोटो में राधिका का बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है। कैप्शन में लिखा है, अक्टूबर 2022। देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद एनडीए में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज भी आयोजित करवाया गया था। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने न्यायपालिका की चुनौती और मीडिया में कार्य पर टिप्पणी करते हुए न्यायपालिका के भविष्य पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा है कि एक झूठा आख्यान बनाया गया है कि न्यायाधीशों का जीवन आसान होता है, लेकिन वो जीवन की कई खुशियों कभी कभी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं से चूक जाते हैं। नुपुर शर्मा केस पर एक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI ने कहा कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ₹7 का स्लैब वापस ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी की गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर ₹6.5 प्रति यूनिट होगी।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है स्पंदना, नुनु कुमार, बिम्बिम, विपिन यादव, नागेंद्र कुमार, रामशंकर सिंह, ऋतुराज, केदार पासवान, कृष्णा गिरी, सुधांशु साह, राम प्रकाश कुमार, आलोक सिंह ऑफिशियल, सूरज कुमार, जितेंद्र ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से लोगों को फायदा पहुंचा है या नहीं? अपने आप में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।